आप सभी को अलका शर्मा रावत भाटा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका अलका किचन में स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत मीठी और स्वादिष्ट डिश लेके आई हूँ, जिसका नाम है गुल पनीर। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। गुल पनीर बनाने के लिए मैंने ये 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिनका मैंने ये साइड्स यहाँ से ब्राउन साइड्स निकाल दिए हैं और इस तरह से कुछ उनको निकाल के अलग रख दिया है। मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, लगभग 1 ग्लास दूध लिया है और 6 टेबलस्पून चीनी ली है, कुछ किशमिश के दाने लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं और वनीला एसेंस लिया है और ये इटेबल कलर लिया है, जिसका मैं आगे रेसिपी में इसका यूज करने जा रही हूँ। बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है और मैंने ये चीनी है इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम ये पनीर का को लेंगे यहाँ पर और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ऐसे ये पनीर के छोटे छोटे मैंने टुकड़े काट लिए हैं, इनको वापस इस बोल में डाल देंगे और इसमें हम ये शुगर मिलाएंगे जो हमने पीस के रखी थी। इसको हम स्वाद अनुसार यूज करेंगे, इसे अपने स्वाद के अनुसार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये कटे हुए मैंने बादाम इसमें ऐड कर दिए हैं, थोड़े से बादाम हम गार्निश करने के लिए रख लेंगे और ये थोड़ी सी किशमिश भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम ये थोड़ी सी किशमिश भी मैंने गार्निश करने के लिए रख ली है। अब हम इनको अच्छी तरह मिलाएंगे क्योंकि हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह हमने मिला लिया है और इनके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना देंगे मिक्स करने के बाद। इसका हमने इतना सा पोर्शन हाथ में लिया, इसको हम गोल दबाएंगे और इस तरह से इसके हमने बॉल्स बना लिए। ये बॉल हमारे छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, ये आपके इच्छा, आपके स्वाद और साइज पे निर्भर करता है कि आप कितने बड़े साइज के गुल पनीर बनाना चाह रहे हैं। बना लेना। इसमें मैंने थोड़ा सा इटेबल कलर दूध में मिक्स कर लिया है, ये बहुत ज्यादा डार्क कलर का है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है। इसका आप कलर देख रहे हैं कैसा आ गया है टेबल कलर मिक्स करने के बाद दूध का। ये मैंने गोले पूरे ही स्टफिंग के लिए पनीर के गोले तैयार कर लिए थे। अब हम इनको और इसमें थोड़ी सी हम शुगर भी ऐड कर लेंगे जो हमने पीस के रखी थी, ताकि जो हमारी ब्रेड है बाहर की कवरिंग वो फीकी ना लगे। अब हम एक एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से और इसको इसमें हम निचोड़ देंगे यूं करके। आप देख रहे हैं हमारी ब्रेड लगभग ऑरेंज कलर की हो गई है। इसके अंदर हम ये एक बोल को इसके अंदर रखेंगे और इसके चारों ओर इसको लपेट देंगे ऐसे करके। देखिए ये ब्रेड ने जो पनीर का बोल है इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है और इसको हल्के हाथ से दबाएंगे। अगर आपको लगता है कि बोल कहीं से टूट रहा है तो इसके इस पर थोड़ा सा दूध और लगा लेंगे, दूध का मिक्सचर। ये देखिए हमारा बोल बन के तैयार हो गया है और एक और बोल बनाएंगे हम, इसमें वापस डिप करेंगे। इसमें शुगर का टेस्ट आ गया, मिठास आ गई है क्योंकि हमने दूध में कलर के साथ साथ थोड़ी सी शुगर भी मिला ली थी पिसी हुई। इसके अंदर दूसरा बोल रखेंगे और इसको भी हम इससे कवर कर देंगे इस तरह से। अगर आपको लगता है कहीं से पनीर का बोल जो है वो बाहर दिख रहा है
इसमें आप थोड़ा सा दूध और लगा लीजिए, हल्का सा, और इसको हल्की तरीके से दबा दीजिए। इस तरह बाकी बची हुई ब्रेड के को बार बार डिप करते जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर बोल्स को भरते जाएंगे, लगाते जाएंगे, और ये अंदर से बहुत ही मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि पनीर भी मुलायम होता है और ब्रेड को दूध में डालने से ये भी मुलायम हो गई है। अभी मेरे सारे पनीर स्टफ बॉल तैयार हो गए हैं, अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं 20 मिनट तक इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी। आधा ग्लास पानी मैंने डाला है और उसमें एक ये छोटी कटोरी मैंने शक्कर ऐड करी है, क्योंकि गुल पनीर है तो गुल ब्रेड भी सॉफ्ट होती है और पनीर के बॉल्स भी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए जब तक वो सेट हो रहे हैं मैंने इधर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इनको हम तेज गर्म आंच में ही गुलाब जामुन, लगभग हमारी आधी तार की चाशनी बन गई है, हम एक तार की चाशनी इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे गुल पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें अब मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस की 2-4 बूंदें ऐड कर रही हूँ, ये मैंने इसमें वनीला एसेंस की बूंदें ऐड कर दी हैं, इसका इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इसकी अरोमा बहुत ही अच्छी लग रही है। इधर हमारा तेल काफी गर्म हो गया है और ये हम थोड़ी आंच अब धीमी कर देंगे और फ्रिज में से हम सेट किए हुए गुल पनीर बाहर निकालते हैं। अब तक ये गुल पनीर जो है हमारे सेट हो गए हैं और हम आंच को तेज कर लिया है हमने वापस से, और अब हम इनको आंच को थोड़ा सा धीमा करके और इधर चाशनी की भी आंच धीमी करके इसके अंदर इनको फ्राई करेंगे। हम तीन तीन करके इनको फ्राई कर रहे हैं, हम सारे गुल पनीर एक साथ नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि इन्हें तेल में तेज चाहिए। देखिए इनका कलर कितना बढ़िया आ गया है, एकदम सुनहरा कलर। इनको हम सुनहरा होने तक इसमें डीप फ्राई करेंगे। अभी ने हम बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा तेल अगर आ जाता है तो वो बटर पेपर पे ही रह जाएगा। ये देखिए हमारे गुल पनीर तैयार है, ये बॉल्स एकदम सुनहरे ब्राउन हो गए हैं एकदम। इनको मैं एक साथ बहुत सारे इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इधर हम चाशनी की गैस को बंद कर देंगे क्योंकि चाशनी हमारी बन चुकी है। वापस इनको ऐसे डालेंगे और उन्हें वापस डीप ब्राउन होने तक कर लेंगे। इनको हमें थोड़ी तेजी आंच पे तलना है और इनको डार्क ब्राउन करना है, और ध्यान रहे इनको हिलाते रहे ताकि ये चिपके नहीं नीचे की तरफ। देखिए बहुत ही सुंदर इनका सुनहरा कलर आ गया है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इनको भी हम इसी पेपर पे वापस उतारेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।
और ये जितने देखने में सुंदर है उतने ही खाने में भी टेस्टी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए बाहर से ये ऑरेंज कलर के हैं और अंदर से व्हाइट कलर के हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मीठे हैं, लेकिन अब हम इन्हें इन बॉल्स को सारों को चाशनी में डिप करेंगे ऐसे। अब देखिए मेरे गुल पनीर बनके तैयार हो गए हैं। एक गुल पनीर मैंने इसलिए रख लिया था क्योंकि आप उसको चाहें तो सादा भी बिना चाशनी में डुबोए भी खा सकते हैं क्योंकि वो वैसे ही बहुत लजीज है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़े से हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसके अंदर चाशनी ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। कुछ किशमिश से भी इन्हें हम गार्निश कर देते हैं। आप देखिए ये कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, देखिए। और अगर आपको और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो इसको आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें से बहुत अच्छी अरोमा उठ रही है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपी तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।